प्यारे दोस्तों, अगर आप दुनिया से जुड़े अद्भुत रहस्य, खतरों से भरे खेल और कर्तव्य, मनोरंजन और रोमांचक से भरपूर वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आप भारत और पूरी दुनिया की सही सही बातों के बारे में सही सही जानकारी पा सकें। दोस्तों, आज के टाइम में समुद्र पर राज करने वाली सबसे बड़ी जीव है ब्लू व्हेल मछली। और अगर हम इस धरती पर रहने वाले सबसे बड़े और खतरनाक जीवों से इस ब्लू व्हेल मछली की कंपेयर करें तो ये ब्लू व्हेल मछली आज के टाइम में सबसे बड़ी और खतरनाक जीवों में से एक है। दोस्तों, इस मछली को हम समुद्र का राजा भी कह सकते हैं, क्योंकि समुद्र के अंदर रहने वाला बड़े से बड़ा और खतरनाक जीव भी इस मछली को देखकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। दोस्तों, जब भी बड़े जानवर की बात आती है तो हमारे जहन में हाथी और ऊंट सबसे पहले आते हैं। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये ब्लू व्हेल मछली इन जानवरों से दो गुना बड़ी है। ब्लू व्हेल मछली की लंबाई 110 फीट तक होती है। इसका वजन 180,000 किलोग्राम तक होता है। इसके हद्दे का वजन 600 किलोग्राम तक होता है, पर इसके दिमाग का वजन काफी कम 7 किलोग्राम तक होता है। यह समुद्र की महाविशालकाय मछली है। जब यह मछली महासागरों में घूमती है तो बड़े से बड़े पनडुब्बी जहाज इसको देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं। यह मछली 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कहीं पहुंच जाती है। दोस्तों, साइंटिस्टों का कहना है कि यह मछली 100 से 150 फीट तक की ऊंचाई तक बड़ी आसानी से जंप ले सकती है। इसीलिए अमेरिका के साइंटिस्टों का ये अनुमान है कि बरमोडा ट्रायंगल में गायब हुए जहाज में ब्लू व्हेल मछली का भी काम हो सकता है। लेकिन बरमोडा ट्रायंगल में गायब हुए जहाज का साइंटिस्ट आज तक ठीक से पता नहीं लगा पाई। दोस्तों, आपका क्या कहना है? बरमोडा ट्रायंगल में गायब हुए जहाज के बारे में क्या ये किसी ऊपरी शक्ति का काम है या फिर किसी समुद्री जीव का? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, ब्लू व्हेल मछली के मॉडल लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम और न्यूयॉर्क के अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में रखे गए हैं। आपको इस मछली को एक बार जरूर देखना चाहिए। आप इस मछली को इन म्यूजियम में जाकर जरूर देखें। लेकिन अब सवाल ये उठता है, हमारी धरती 450 करोड़ साल पुरानी है, और क्या इतने लंबे अरसों से ब्लू व्हेल ही समुद्र पर राज करती आ रही है? क्या इतने लंबे समय से ब्लू व्हेल ही सबसे बड़ी जीवित प्रजाति है? दोस्तों, जिस तरह आज से लाखों साल पहले इस धरती पर डायनासोर रहता था, ठीक उसी तरह एक शार्क की प्रजाति भी अतीत में मौजूद थी, और इस शार्क का नाम था मेगालोडॉन। दोस्तों, आज से 30 लाख साल पहले मेगालोडॉन समुद्र पर राज करती थी, और उस वक्त मेगालोडॉन समुद्र का राजा कहलाती थी। जिस तरह ब्लू व्हेल मछली को देखते ही समुद्र का बड़े से बड़ा जीव अपनी जान बचाने के लिए भागता था, ठीक उसी तरह मेगालोडॉन को भी देखते ही समुद्र का बड़े से बड़ा और खतरनाक जीव अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते थे। मेगालोडॉन तो इतनी खतरनाक थी कि डायनासोर जैसे जानवर को भी बड़ी आसानी से खा सकती थी। मेगालोडॉन की लंबाई लगभग 80 फीट और इसका जबड़ा करीब 3 मीटर का होता था। मेगालोडॉन के इस 3 मीटर जबड़े के अंदर लगभग 280 नुकीले दांत थे, और मेगालोडॉन के एक दांत की लंबाई 7 इंच तक होती थी। इसीलिए मेगालोडॉन अपने इस जबड़े की मदद से समुद्र के बड़े से बड़े जीव पर भारी पड़ती थी, और बड़ी से बड़ी शिप को भी मुंह में लेकर शिप को चबा सकती थी, क्योंकि मेगालोडॉन अपने मुंह से शिकार को दबोचते समय शिकार के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट करती थी वो करीब 10 टन के बराबर था। यानी कि मेगालोडॉन एक बड़े से बड़े पत्थर को भी तोड़ने की ताकत रखती थी, और अगर किसी घटना में मेगालोडॉन का दांत टूट भी जाए तो नया दांत निकलने में सिर्फ 1 से 1.5 दिन का टाइम लगता था। और ये चौंकाने वाली बात है कि मेगालोडॉन का दांत टूटने के बाद मेगालोडॉन के दोबारा दांत हजारों बार निकल सकते थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर मेगालोडॉन इतनी बड़ी शक्तिशाली विशालकाय प्रजाति होने के बावजूद भी विलुप्त कैसे हो गयी? कि आखिर मेगालोडॉन के साथ ऐसा क्या हुआ था? क्योंकि डायनासोर जैसे जीवों के विलुप्त होने के पीछे भी एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड का हाथ था। लेकिन मेगालोडॉन कैसे विलुप्त हुई, इस बात का आज तक कोई भी ठीक से पता नहीं लगा पाया। लेकिन साइंटिस्टों की एक बहुत बड़ी टीम ने जब रिसर्च की, जिसमें अमेरिका के बड़े बड़े साइंटिस्ट शामिल थे, तो उन्होंने बताया कि मेगालोडॉन आज भी समुद्र के अंदर है, और मेगालोडॉन की प्रजातियां अभी भी जीवित हैं। लेकिन मेगालोडॉन इतने लंबे समय से अभी तक नजर क्यों नहीं आई, जब मेगालोडॉन की प्रजातियां अभी भी जिंदा हैं? तो अमेरिका के साइंटिस्टों ने बताया, मेगालोडॉन की प्रजातियां समुद्र के सबसे निचले हिस्से में रहने लगी हैं। और ये साबित तब हुआ जब कुछ साल पहले एक समुद्री यात्रा में मेगालोडॉन के दो दांत पाए गए थे।
क्योंकि मेगालोडॉन जब समुद्र के ऊपर शिकार करने के लिए आई थी तो उसने पूरा का पूरा शिप अपने जबड़े में फंसा लिया था, जिससे मेगालोडॉन के दो दांत टूट गए थे और समुद्री यात्रा में मिले इन दोनों दांतों पर रिसर्च हुई थी तो वो दांत मेगालोडॉन के ही थे, जिससे अमेरिका के साइंटिस्टों ने ये साबित किया था कि मेगालोडॉन की प्रजातियां आज भी जीवित हैं। तो दोस्तों अब सवाल ये है कि समुद्र पर राज करने वाली मछली कौन सी है, ब्लू व्हेल या फिर मेगालोडॉन? आखिर अब समुद्र का राजा कौन कहलाएगा? साइंटिस्टों की माने तो अब ब्लू व्हेल ही समुद्र पर राज करने वाली मछली है, क्योंकि ब्लू व्हेल की जनसंख्या इस वक्त 5000 से लेकर 12000 तक है और मेगालोडॉन की जनसंख्या का कुछ पता ही नहीं। तो दोस्तों अब आप समुद्र पर राज करने वाली मछली किसे मानेंगे, ब्लू व्हेल या फिर मेगालोडॉन? क्या मेगालोडॉन आज भी जीवित है, आपकी क्या राय है? और अगर जीवित है तो ब्लू व्हेल और मेगालोडॉन की लड़ाई हो तो इन दोनों में से कौन जीतेगा और कौन समुद्र पर राज करेगा और कौन कहलाएगा समुद्र का राजा? तो दोस्तों हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप मनोरंजन के साथ नॉलेजेबल वीडियो देखना पसंद करते हैं और भारत और पूरी दुनिया की भरपूर नॉलेज पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि हम अच्छी से अच्छी नॉलेजेबल वीडियो आपके पास तक पहुंचाते रहें। साथ ही इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।